वो जस्ट डोंट। अरे वो तू इतने टाइम से जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा था। मैं यार ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। अच्छा बिजी था, कहाँ बिजी था तू बताएगा? तुझे आइडिया भी है पिछले दो दिनों से मैंने तुझे कितने कॉल किए हैं? हाँ बहुत सारे। 45 और तूने कितने पिक किए? एक भी नहीं। अरे मुझे बता तो क्या किया है मैंने, क्यों इग्नोर कर रहे है तू मुझे? नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। या अभी तुम प्लीज जाओ ना यार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ऐसे कैसे बात नहीं करनी? अरे नहीं बात करनी है तो नहीं बात करनी है यार। मैं कहीं नहीं जा रही, जब तक तू मुझे पूरी बात अच्छे से नहीं बता देता ना, मैं यहां से कहीं नहीं जा रही। बता क्या बात है? अरे और कितने अच्छे से बताऊं दैट आई लव यू? पोस्टर बना बना के गली में बांट दूं क्या, या रेडियो पर आकाशवाणी कर दूं? बता। पता नहीं यार तुझे इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। आदि मुझे लगा तू मजाक कर रहा होगा इसलिए मैंने सीरियसली नहीं लिया। वाह यार वाह, मजाक कर रहा होगा, कम ऑन। ये मजाक चल रहा है इधर, मैं मजाक कर रहा हूँ। पर आदि इससे पहले मुझे कभी लगा ही नहीं दैट यू लव मी। यू नो एक्चुअली यू आर राइट, लगेगा भी कैसे? मैं जब जब आता था अपनी फीलिंग्स डिस्कस करने के लिए तो तू अपने बॉयफ्रेंड के किससे गारी होती थी, तो कैसे लगेगा? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये एरिया कि प्यार हमेशा बोल के एक्सप्रेस नहीं किया जाता है यार, कभी कभार सामने वाले इंसान को खुद समझ जाना चाहिए बिना बोले। आदि मैं समझती हूँ पर तू भी तो समझ यार, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ? नहीं आ सकते क्योंकि सब खत्म हो जाएगा यार, सब फक्ड अप हो जाएगा, ये फन ये मस्ती सब चला जाएगा। तुम कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार, तू नहीं समझ रहा। अच्छा चल मुझे एक बात बता, तेरे लिए प्यार क्या है? प्यार दोस्ती का ही एक पहलू है। हाँ तो हम दोस्ती तो नहीं है यार, हम दोस्त नहीं है क्या रिया? तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार? अच्छा एक बात बताओ, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक केयरिंग बॉयफ्रेंड चाहिए जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करे जैसे मैं करता हूं। तुम्हें जो जो क्वालिटी अपने बॉयफ्रेंड में चाहिए थी वो सारी क्वालिटी मुझ में है तो, और इनफैक्ट ये चीज तुमने ही मुझसे कही थी। हाँ कही थी लेकिन तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता यार तेरा बॉयफ्रेंड? व्हाई एम आई नॉट द राइट पर्सन? यार आदि तू नहीं समझ रहा है यार, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं क्योंकि क्योंकि क्योंकि
नहीं है ना तेरे पास इस बात का जवाब? यू नो रिया, तेरे पास ही नहीं, दुनिया की किसी भी लड़की के पास इस बात का जवाब नहीं है जिसने एक लड़के की फीलिंग्स को जानने के बाद उसे फ्रेंड जोन कराओ। असलियत ये है कि यार तुम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लड़कियां ना, हम लड़कों की फीलिंग्स ही नहीं डिकोड कर पाती और ना ही तुम ट्राई करना चाहती हो। सो प्लीज डोंट गिव मी दिस, प्लीज यार जाना यार। आदि, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। उसके बारे में क्या? You know, आदि, वेट। तुम लड़कियों को ना पता होता है कि सामने वाला इंसान तुमसे कितना प्यार करता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन तुम मानोगी थोड़ी ना, जस्ट लाइक नाउ। और हम लड़के भी पागल हैं जो तुम्हारे सामने अपने सारे पत्ते फेंक देते हैं, तो प्यार का गेम तो हारेंगे। तुम्हें पता है एक बॉयफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा। और इस डिफरेंस में रहते हैं मुझ जैसे लड़के, जो ना तो कभी आपके बॉयफ्रेंड बन पाए और ऑब्वियसली ना ही कभी आपके बॉयफ्रेंड, बस यही फंसे पड़े रह गए अपनी वन साइडेड फीलिंग के साथ, जिसे ना तो यार बताने की हिम्मत होती है, और अगर हिम्मत होती है ना तो फिर यही डर लगा रहता है कि ये जो हमारे बीच में ना दोस्ती, जो भी कह लो इसे, व्हाटएवर, ये ना खो बैठे। और ये एक टाइम आता है जब ये दिल की फीलिंग ना यार दिमाग पर हावी हो जाती है और हम लड़के तुम्हें सब बता देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, तुम लड़कियां मना कर देती हो। और सिर्फ मना ही नहीं करती हो, क्या कहती हो तुम? यार आई एम सॉरी बट मैं तुझे उस नजर से नहीं देखती। सीरियसली, उस नजर से नहीं देखती? व्हाट डू यू मीन बाय दिस नजर? हाँ ओके आदि, प्लीज कॉम डाउन। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं होता, और भी बहुत सी चीजें होती हैं यार। और एक थर्ड पर्सन को रिलेशनशिप का सब कुछ पॉजिटिव ही दिखता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और वो भी दोस्तों की तरह नहीं कि अभी लड़े और थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल। ईगो क्लैश होते हैं, आधा टाइम तो ये सोचने में निकल जाता है कि पहले सॉरी कौन बोलेगा। बस यही है यार आदि, सीरियसली, पर मैं तेरी फीलिंग समझती हूँ। तुझे कैसे पता कि सारी रिलेशनशिप में एग्जैक्टली यही होता है? यार कैसे पता? जरूरी है हमारे रिलेशनशिप में भी एग्जैक्टली यही हो? छोड़ो यार, तुम नहीं समझी हो। ये सिचुएशन सिर्फ वो ही लड़का समझ सकता है जो मेरी तरह है सो कॉल्ड फ्रेंड जोन के चूतियापे में फंसा हो। यार और तुम लड़कियों का ना बड़ा सही है वैसे, घर वालों के सामने जब लेट नाइट पार्टीज की परमिशन लेनी हो तो हम जैसे लड़के तुम्हारे साथ हैं, जब तुम्हें फ्रेंड्स के सामने एक फेक बॉयफ्रेंड फ्लॉन्ट कर रहा हो तो हम जैसे लड़के तुम्हारे साथ हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम में थोड़ी सी भी फीलिंग जग जाए ना तुम्हारे लिए, तो वो फीलिंग हमें अपने तक ही सीमित रखनी है, क्योंकि अगर नहीं रखी तो सिचुएशन हमारी तरह ऑकवर्ड हो जाएगी, एक दूसरे को इग्नोर करना पड़ेगा। सो यू अंडरस्टैंड अब मैं तुझे इग्नोर क्यों कर रहा था? तो अब तुझे पता चल गया ना कि यहां क्या हो रहा है, तो प्लीज यहां से जा, जस्ट गो प्लीज। आदि, Thank you.
मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूं तेरे पास जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। शायद मुझे कुछ बताने ही नहीं चाहिए था। अगर अपने मन के अंदर रखता ना तो ये जो अंदर हुआ है ना, ये तेरे सामने बाहर नहीं आता। आदि, तुझे मुझसे अपनी फीलिंग्स हाइड करने की जरूरत नहीं है। तू अपनी फीलिंग्स मुझे एक्सप्रेस कर सकता है, ये हक है तेरा। तुम्हारे रीसेंट ब्रेकअप के बाद मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करी थी और वो तुम्हें मजाक लगा था। कितनी सिगरेट पीने लगा है तू? तो मुझे कुछ करने नहीं देती यार मेरे मन की। मन का नहीं करने देती मतलब? विनोरिया, एक साल पहले ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए ली थी। सोचा था तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें देकर प्रपोज करूंगा, लेकिन यार तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता के मुझे ही सरप्राइज कर दिया। तुमने पिछले एक साल से ये रिंग मेरे लिए नहीं रखी। तुम्हें पता है रिया, अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपा के रखना और फिर हमेशा इसी डर में रहना कि तुम सामने वाले इंसान को खोना मिले, यार ये फीलिंग्स बहुत डरावनी होती है। और इस वक्त मैं बहुत डरा हुआ हूं।